हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जब भी बात स्टफ पराठे की होती है तो हम प्रेफर करते हैं आलू के पराठे बनाना, क्योंकि उसको उबाला और झटपट बन जाते हैं। बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आसान है गोभी के पराठे बनाना। अगर आपके पराठे फटे फटे या बहुत सॉगी, बहुत मेसी होते हैं गोभी के पराठे, अगर आप मेरे साथ मेरी इस रेसिपी में एंड तक बने रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि गोभी के पराठे दानेदार और वो भी कुछ मिनटों में हम कैसे बना पाएंगे। जी हाँ, ना तो ये पराठे फटेंगे और ना ही हमारी जो गोभी है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होगी, और इसको बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ गोभी के पराठों के लिए मैंने लिए हैं ये फूल गोभी। इनको अच्छे से आप साफ कर लें, क्योंकि कई बार इनमें कीड़े होते हैं, और मैं इनको रफली चॉप कर लूंगी। तो बस बड़े बड़े फ्लावर्स की तरह मैंने इसको चॉप कर लिया है। तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है, क्योंकि वो काम हमारा करेगा ये चॉपर। मैं इस चॉपर में चॉप करूंगी इस गोभी को, और आप देखेंगे कि कैसे दानेदार हमारे पराठे बनते हैं, ना फटे हुए, बिल्कुल क्रिस्पी करारे। तो इस टाइम पे मैं इसमें फ्लावर्स को ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें रफली चॉप कर रही हूँ अदरक और दो हरी मिर्च। तो अगर आपकी गोभी की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप उसको दो बार में चॉप करें। आप देख सकते हैं बस 5 से 6 सेकंड में ये कितनी अच्छी दानेदार और बिल्कुल छोटी छोटी हमारी ये जो गोभी है वो चॉप हो गई है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई फूड प्रोसेसर या फिर किसी इलेक्ट्रिक चॉपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है कि इसमें हमें मसाले और नमक तभी मिलाना है जब आप पराठे बनाने वाले हो। पहले से एक मिक्सचर में नमक मिला के मत रखिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पहले सभी मसाले। तो यहाँ है मेरे पास 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ सौंफ पाउडर, यानी कि फेनल पाउडर, और 1 चम्मच भर के धनिया, थोड़ा सा अमचूर, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया है तवे पे डाल के। उससे ये क्रिस्प हो जाती है और क्रश करने में इजी रहती है। और अगर आप अपनी हमेशा कसूरी मेथी को हरा भरा रखना चाहते हैं तो उसको फ्रिज में स्टोर करके रखें। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस टाइम पे भी देख सकते हैं कि हमारा कितना खिला खिला है ये मसाला। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी ये पनीला नहीं है। तो अगर आपकी परफेक्ट फिलिंग होगी तो जो पराठे हैं उनको स्टफ करने में, उन्हें बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं आएगी, और ना ही आपके पराठे ये सॉगी बनेंगे, ना ही मेसी होंगे। अगर आप कद्दूकस करके गोभी के पराठे बनाते हैं, गोभी को कद्दूकस करके, तो काफी मॉइस्चर और पानी रिलीज होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है चॉपर में इसको चॉप करके, तो इसको बहुत ही क्विक भी हो जाता है और साथ ही बहुत परफेक्ट पराठे बनके तैयार होते हैं। तो आइए अब हम अपने पराठों को स्टफ करके बेलकर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट आटा लगा के तैयार रखा है। आटा जितना सॉफ्ट होगा उतना ही स्टफिंग उसमें अच्छे से स्टिक हो पाएगी, और बेलते टाइम वो इजी रहेगा आपके लिए। तो आप जब भी स्टफ पराठे बनाएं, रेगुलर पराठे के आटे से सॉफ्ट उसका डो लगाएं। तो इसको मैं पहले बेल लूंगी, और अब हम इसमें अच्छे से स्टफिंग करेंगे। अब स्टफ पराठा है और स्टफिंग 1 चम्मच हो तो बात बनेगी नहीं। और अब हम इसको पराठे को क्लोज करेंगे। सकते हैं, और अब हम इसको सिंपली बेलें। बहुत ज्यादा बार सूखा आटा नहीं लगाना है, बस 1 से 2 बार। जितने मोटे या जितने पतले आप अपने पराठों को रखना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें उस तरह का बना सकते हैं। तो
तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना थिक रखा है और कहीं से भी मेरा पराठा ना मैसी हो रहा है, ना चकला मेरा मैसी है और ना ही मेरा बेलन मैसी हुआ है। तो अब हम अपना पराठा सेकते हैं। तो यहाँ मैंने लोहे का तवा लिया है, तो आप इन पराठों को तंदूर में भी बना सकते हैं। इस टाइम पे मैं अपना पराठा तवे पे डाल दूंगी। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो जब तक हमारा तवे पे पराठा बन रहा है, मैं यहाँ पे दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लेती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी सारी इसमें स्टफिंग कर रही हूँ, ना ही मेरा ये पराठा चिपक रहा है चकले पे। दोनों तरफ से कितना परफेक्ट ये पराठा बिला है। यहाँ पे हमारा पराठा एक तरफ से कुक हो गया है हल्का सा, तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। इस टाइम पे जब हमारा दोनों तरफ से पराठा थोड़ा थोड़ा कुक हो जाएगा, इस टाइम पे मैं इसमें घी लगा करके पराठों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्प हमारी ये पराठे सिके हैं। तो इसी तरह हम अपने सभी पराठों को सेक के तैयार कर लेंगे। मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना अच्छे से फिलअप हुआ है और बिल्कुल इकसार होगी इसकी फिलिंग। ये देखिए कितनी इवनली ये फिलअप हुआ है, हर तरफ इसकी फिलिंग है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको गोभी अदरक और मिर्च का टेस्ट ना मिले। ये गर्मा गर्म पराठा आप एंजॉय कर सकते हैं दही के साथ या फिर खूब सारे बटर के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।